इस टॉपिक के अंदर हम जिस तरह प्रीवियस टॉपिक्स में हमने क्विकली डोर्स को क्रिएट किया, पहले हमने प्लेसेस की उसकी बनाई, फिर हमने उसे बनाया और फिर उसको हमने एडजस्ट किया। अब सेम मैनर में हम सबसे पहले विंडोज़ की प्लेसेस बना लेते हैं और फिर हम क्विकली उसका इंट्रोडक्शन और उसकी उसको हम बनाने के तरीके भी देख लेंगे कि किस तरह हम उसको प्लेस कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायर्ड जो भी हमारे पास विड्थ जगह मौजूद होगी। तो इससे अब विंडोज़ का जो है होना किसी भी, हमने जिस तरह स्टार्ट में कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेशन और विंडोज़, इसके बगैर हमारा घर का कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। जस्ट इमेजिन कि एक कमरा है जिसके अंदर कोई विंडो नहीं है, तो वेंटिलेशन पर्पस हमारा पूरा नहीं हो सकता, सनलाइट का पर्पस पूरा नहीं हो रहा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो विंडोज़ जो है, क्योंकि ये एक घर को एक लाइव बना देती हैं, उसके इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाती हैं। तो जब भी आप डिज़ाइनिंग गाइडलाइंस देखेंगे तो रिकमेंड किया जाएगा कि इंश्योर करें एटलीस्ट जो आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बेडरूम है या आपका बाथरूम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेंटिलेशन और विंडोज़, क्योंकि वहाँ स्मेल का कॉन्सेप्ट। किचन में आप जस्ट इमेजिन, क्योंकि वहाँ पे स्मोक, धुआं, कुकिंग हो रही होती है, अगर वहाँ विंडो ना हो तो इट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। तो इस लिहाज से विंडोज़ जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं किसी हाउस के अंदर। अब हमने जिन घर कमरों के दरवाज़े लगा लिए हैं, उन्हीं कमरों के साथ अब हम देखेंगे कि किस तरफ हम विंडोज़ लगा सकते हैं। अब खिड़की का जो बेसिक लगाने का रूल क्या होगा कि जिस तरफ ओपनिंग होगी खिड़की उस तरफ लगेगी। ये कभी भी हम नहीं कर सकते कि सामने दीवार है और हम वहाँ पर खिड़की लगा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। खिड़की लगाते ही हम हवा के लिए हैं, खिड़की लगाते ही हम अपनी सनलाइट के लिए हैं। तो हम ओपनिंग को इंश्योर करेंगे कि हमारी विंडो उस साइड पर हो जिस तरफ ओपनिंग है। और अब इसके साइज़ बहुत सारे अवेलेबल हैं, डिपेंड्स के आप किस तरह की विंडो लगाना चाह रहे हैं, आपके पास उसके मल्टीपल साइज़ अवेलेबल हैं। आजकल एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, आगे जाके हम प्रेजेंटेशन में देखते भी हैं, कुछ लोग पूरी पूरी दीवार के अंदर जो है वो ग्लास की विंडो लगा देते हैं। उसके कुछ सर्टेन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे साउंड के या इवन के वो थंडरस्टॉर्म में ब्रेक हो जाए। आप देखे होंगे आजकल काफ़ी सारे जो हैं वो हॉस्पिटल्स ऐसे बने हैं जिसमें ग्लास बहुत ज़्यादा वर्क हुआ हुआ है। तो विंडो की बहुत सारी टाइप्स हैं, उसके मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसकी हम बात अगले बार टॉपिक में करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि किस तरह हम विंडोज़ की प्लेसेस जो है वो बनाते हैं हाउस प्लान के अंदर। तो बढ़ते हैं कैड की तरफ ताकि हम विंडोज़ की प्लेसेस इंश्योर कर सकें। तो ये हमारा प्रीवियस टॉपिक, यहाँ पे हमने इसको कंक्लूड किया है, डोर्स प्लेस हो चुके हैं। अब विंडोज़ कहाँ कहाँ लगनी है, ये हमारे पास यहाँ पे विंडो लगेगी, ये ओपनिंग है, ये बेडरूम है तो ये ओपनिंग है, यहाँ पे विंडो लगेगी, ये किचन है तो यहाँ पे विंडो लगेगी, इसके अलावा जो है ये हमारा ड्राइंग रूम है तो इसकी विंडो यहाँ पे, तो ये एटलीस्ट, और ये हमारे पास क्योंकि नीचे स्टेयर्स ऊपर होंगी तो ये हमारे पास एटलीस्ट 5 विंडोज़ जो है हमने इंश्योर करनी है। अब विंडोज़ के लिए सबसे पहले हम क्योंकि प्लेस बना रहे हैं तो हम मेजर कर लेते हैं। अभी हमारे पास लाइन है सो हम डी आए डिस्टेंस लगा दे के एकदम मेजर कर लेते हैं कि हमारे पास सो ये 11 फीट और 3 इंचेस जो है इसकी इस टाइम हमारे पास मौजूद है लेंथ, ये उसका मिडल पॉइंट है। अब हम हो सकता है कि इस मिडल पॉइंट को करते हुए 2 फीट बाय 2 फीट, या क्योंकि इस तरफ दरवाज़ा है तो हम इसको इस तरफ भी ज़्यादा इंश्योर कर सकते हैं। सो इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सेंटर में भी लगा सकते। आप कमरों में देखते होंगे अक्सर, आप देखते हैं दरवाजे के बिल्कुल साथ भी विंडो होती है। दरवाजे बाज़ूकात एक कमरा ऐसा भी देखते हैं जहाँ से दरवाज़ा भी है और उसके एक साइड पर दरवाज़ा एक दीवार के साथ, उस दीवार के साथ जाके खिड़की है। तो इसका अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने ही डिसाइड करना है। बट अगर आपके पास फुल वॉल अवेलेबल है और वो कुछ भी नहीं है तो कोशिश करें सेंट्रलिटी इंश्योर कर लें। बट अगेन इट डिपेंड्स आप जो है वो किस तरह प्लेस कर रहे हैं। सो मैं अब क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा आ रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि ये वाली एक लाइन लगा लेते हैं और इसके बाद हम ये मेजर करते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना और इसके सेंटर में हम हो सकता है इंश्योर कर लें। सो डी आई हमारे पास कमांड है, दरवाजे से इसको ज़रा सेपरेट करके आगे बना रहे हैं, यहाँ पे दरवाजे की ओपनिंग भी होनी है। सो 8-2 हमारे पास जो है वो अवेलेबल है, बल्कि अभी हम क्योंकि प्लेसेस इंश्योर कर रहे हैं विंडोज़ की तो हम इसको इंटीरियर के अंदर रखते हैं, इंटीरियर में ही काम करते हैं। विंडोज़ जब लगाएंगे तो उसको हम विंडोज़ की सेपरेट लेयर में रख लेंगे। अभी हम क्योंकि जस्ट प्लेसेस, तो प्लेसेस दीवार के अंदर हैं तो दीवार हमारी सारी इंटीरियर्स हैं और हम यहाँ से ये हमारे पास इंटीरियर जो है ये हमारी करंट लेयर है, ये हमने लाइन लगाई है। से हम इसको ओ एंटर ऑफसेट 1.5 फीट का इसको इधर से ऑफसेट दे देते हैं, ये हमारे पास ऑफसेट है।
और अब हम चाहें तो इसको 5 फीट में लगाना चाह रहे हैं, सपोज ओ, क्योंकि स्पेस काफ़ी है 5 फीट, तो ये हमारे पास जो है 5 फीट की स्पेस है। अगेन सिंपल ट्रिम टी आर डबल एंटर, तो ये हमारे पास विंडो की स्पेस यहाँ बन गई, अब इस कमरे की पूरी हो गई। इस तरफ आ जाते हैं, ये हमारे पास अब देख लेते हैं कितनी जगह है, ये हमारा पाउडर रूम है, सो डी आई डिस्टेंस, सो ये जो है हमारे पास 3 फीट एंड 7.5 इंच है। इसका सेंटर इंश्योर कर लेते हैं हम, सेंट्रलिटी, ये सेंटर है इसका, और हम इसमें से 2 फीट की लगा लेते हैं, तो हम ऑफसेट देते हैं ओ एंटर और 1 फीट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास जो है टी आर डबल एंटर। सो ये हमारे पास हमारे पाउडर रूम की विंडो की प्लेसमेंट हो गई। अब हम आ जाते हैं टूवर्ड्स आर बेडरूम जो है, और इसके बाद किचन है। सो अब हम इसकी सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास अवेलेबल स्पेस कितनी है, एंड देन विल डिसाइड अकॉर्डिंगली के फर्ज करें, ये हमारे पास टोटल स्पेस है, सो डी आई डिस्टेंस, और अभी हमारे पास है 4 फीट 9.5 इंचज़ हैं, तो हम इसका जो है वो अगर हम इसकी इंश्योर कर लेते हैं एक और लाइन लगा के सेंट्रलिटी में, ये सेंटर है, ये मैंने लाइन जो लगाई है इसको मैं डिलीट कर दूंगा दोबारा ये लाइन, क्योंकि ये सिर्फ मैं सेंटर के लिए लगा रहा था। और अब हम क्या करते हैं, इनको हम बेशक डिलीट कर देने का कोई पर्पज़ नहीं है, अब इस लाइन को जो है हम ओ एंटर और 2 फीट का ऑफसेट देते हैं ऑन बोथ साइड, ताकि ये 4 फीट की हमारी यहाँ पर विंडो, और टी आर डबल एंटर, और इसको हम वैसे डिलीट कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो है विंडो यहाँ पे एडजस्ट हो गई। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये हमारे पास हमारा जो है वो किचन है, किचन के अंदर कैबिनेट, अगर हम आगे जाके इंटीरियर्स जब प्लेस करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे किचन के अंदर कैबिनेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैबिनेट क्या होती है कि जब आप किचन के अंदर जाते हैं तो आप वहाँ पे मल्टीपल पर्पज़ हम किचन के अंदर, क्योंकि कुकिंग भी हो रही होती है वहाँ पर, वॉशिंग भी हम कर रहे होते हैं, बर्तन वगैरह धो रहे हैं हम, तो वहाँ पर एक सर्टन हाइट के ऊपर आप जो कैबिनेट देखते हैं वो डिपेंड करता है, वो अक्सर स्टोन्स की बनी होती हैं, लेकिन उसके नीचे बाज़ूकात आपने वुड वर्क से भी काम हुआ होता है, लकड़ी के भी अवेलेबल होते हैं, उसके नीचे फॉर एग्जांपल एक सर्टेन उसकी हाइट है, उस हाइट के ऊपर वो मौजूद है, और आपके वहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन पड़े हैं, आपका चूल्हा लगा हुआ है, उसके नीचे जो है वो आपकी छोटी छोटी अलमारियाँ बनी हुई हैं, आप उसको ओपन करते हैं, उसके अंदर आपके कुछ सामान वगैरह पड़े हैं जो किचन में यूज़ होते हैं, सो हम वो क्योंकि वो इंश्योर कर लेते हैं, उसके साथ हमारा विंडो का प्लेसमेंट और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सो नॉर्मली उसकी जो विड्थ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दीवार है, तो दीवार से इस तरफ नॉर्मली हम 2 फीट जो है वो उसकी विड्थ लेते हैं, तो वो हम बना लेते हैं ताकि हमारे लिए यहाँ पर आसानी हो जाएगी। अब अगर हम चाहें तो कैबिनेट की अलहदा लेयर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इंटीरियर में तो बैरल नहीं आनी, तो हम बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। किचन कैबिनेट हमारी हो जाएगी, सो ये हमारे लिए ज़रा और आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये लेयर बन चुकी है, इसको हम ऑन कर लेते हैं यहाँ से, और इसका कलर जो है से हम कोई भी यूनिक कर लेते हैं, हम इसको ब्लू कर लेते हैं, और ओके सो ये लेयर ऑन है। तो अब जो है हम यहाँ से 2 फीट का जो है यहाँ से हम ऑफसेट देते हैं ओ एंटर, ऑफसेट 2 फीट, ठीक है, और अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सो अब हम जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, आपको याद हो हमने स्टार्ट में किया था कि लेयर का जब हम ऑफसेट करते हैं कि हम कौन सी लेयर में, अब यहाँ पे होगा क्या, बाज़ूकात हम गलती क्या करते हैं कि अब मैंने फ़र्ज़ करें ऑफसेट करना है और मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी किस लेयर में हो, उसी लेयर में हो जो मेरी करंट लेयर बनी हुई है, सोर्स में ना हो, और अगर मैं ये करना भूल गया लेयर सेट करना, तो ये क्या करेगा, ये ऑफसेट दे तो देगा लेकिन ये उसी लेयर में देगा इंटीरियर वॉल्स वाली में, जिस वॉल को मैं एज अ सोर्स ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ लेयर्स का कॉन्सेप्ट देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हमने इसको पहले भी अंडरस्टैंड किया था कि मैंने लेयर पे क्लिक किया और अब मैं चाह रहा हूँ कि कौन सी हो, सोर्स में ना हो बल्कि करंट में हो, यानी पिक तो मैं सोर्स को करूँगा लेकिन जो मेरी ऑफसेट हो वो करंट में आए। अब अगर हम 2 करके और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो अब आप नोट करें तो ये हमारा जो है ये करंट लेयर में आ गया। इसी तरह हम इसको भी 2 कर लेते हैं, और अब ज़रूरी नहीं कि हम दरवाजे तक इसको लेके जाएं, हम इसको दरवाजे से थोड़ा सा पहले किसी भी डिस्टेंस के ऊपर एंड कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ, अब मेरे पास ट्रिम की कमांड है, सो हम ट्रिम की कमांड अप्लाई करते हैं, तो और ये हमारे पास टी आर, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ से आप इसको कर दें डिलीट, तो ये मैंने कैबिनेट बना ली अपनी। अब ये विंडो
यहाँ पे हमने देनी है खिड़की हमारी, एक ये वाली और एक ये, दो रह गई हैं। अगेन हम डी आई डिस्टेंस से मेजर कर लेते हैं कि हमारे पास स्पेस है कितनी। तो ये सेवन एंड समथिंग है, तो क्योंकि यहाँ पे कुकिंग भी हो रही होती है हमारी, तो हम यही इंश्योर करते हैं। सो सेवन फीट एंड 0.5, तो हम सबसे पहले इसका सेंटर में एक लाइन लगा लेते हैं, जो कि सेंटर हम इंश्योर करते हैं। दिस इज़ दी सेंटर, ये सेंटर पॉइंट हमने यहाँ से लाइन लगा ली, और इस लाइन के साथ हम जो है एसोसिएटेड ऑफसेट दे देते हैं। अब हम दोबारा ये इंटीरियर में आ जाते हैं, क्योंकि किचन काम जो है वो काम कर चुके हैं। सो इसको हम इंटीरियर के अंदर लगा लेते हैं, सेंटर में एक लाइन, और इसको हम 3 का लगा लें अगर, तो ओ एंटर 1 point, या अगर 4 का ही लगाएं यहाँ पे भी हम, तो 2 feet ऑफसेट ऑन बोथ साइड्स। तो ये जो है टी आर डबल एंटर, सो वी कैन हैव ट्रिम लाइक दिस वन। सो यहाँ पे भी विंडो हमारी प्लेसमेंट हो चुकी हैं, ये विंडो भी हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं हमारे बाथरूम की तरफ, तो इसको भी हम मेजर कर लेते हैं डी आई। यहाँ पे बहुत बड़ी विंडो नहीं देंगे हम डिस्टेंस, सो दैट इज़ प्रॉबेबली 4 feet and 7.5 inches। सो यहाँ पे अगर हम एल एंटर करके इसका सेंटर पॉइंट इंश्योर कर लेते हैं पहले, और से हम 2 feet की लगाना चाह रहे हैं, तो ओ एंटर 1 feet ऑन बोथ साइड्स। सो ये हमारे पास 1 feet ऑन बोथ साइड, टी आर डबल एंटर ट्रिम। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास हमारे बाथरूम की विंडोज़ यहाँ पे प्लेस करेंगे, ये हमारी बेडरूम की है, ये हमारे किचन की है, ये हमारे जो है वो पाउडर रूम है उसकी है, और ये जो है हमारे पास हमारे ड्राइंग रूम की है। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर विंडोज़ की प्लेसमेंट देखेंगे, विंडोज़ की लेयर के अंदर ही हम इसको बनाएंगे, और हम प्लेस करके देखेंगे कि किस तरह हम विंडोज़ को एडजस्ट करते हैं इन हाउस प्लान। इस टॉपिक के अंदर हमने अपनी खिड़कियों की प्लेसमेंट्स देखी हैं कि किस तरह हम अपनी जो है वो क्रिएट करते हैं स्पेसेस, और हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग हमारे ऊपर है कि हम उसको सेंट्रलिटी में रखना चाहते हैं, विंडो को कितना बड़ा रखना चाहते हैं, उसका साइज़ कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, किस तरफ होनी चाहिए। लेकिन एक जो बेसिक थंब रूल हमने देखा कि विंडो हमेशा ओपनिंग वाली साइड पर होती है, कभी भी ऐसी विंडो नहीं देंगे हम कि हम उसको किसी दीवार वाली साइड पर दें, हम लाजमी उस तरफ देंगे जिस तरफ से हमें वेंटिलेशन भी इंश्योर हो, हमारी सनलाइट भी इंश्योर हो, ताकि हम हेल्दी भी रहें और विंडो अपना पर्पस भी सर्व करें।